हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। माई सेल्फ अनु सिंह, और इसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ CISF का एग्ज़ाम हुआ था 2013 में। ओके, और इसमें मैं GS के पार्ट को डिस्कस करूँगी। जो अभी जिन्होंने भरा है CISF का जो फॉर्म भरा है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे अगर हेड कॉन्स्टेबल का भी अगर मुझे CISF का पेपर मिल जाता है तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें आपको मैथ रीजनिंग सॉरी सिर्फ और सिर्फ GS के पार्ट को इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मैं रीजनिंग और मैथ भी कर दूँगी। ओके, तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसका, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसका, आपको क्वेश्चन पेपर विद एनालिसिस विद आपको आंसर मिलेगा। और इस चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मिलेंगे, तो एक बार विजिट करिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और GS के पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा GS का पार्ट कंटिन्यू होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, GS में क्या पूछा गया था कि मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है उसमें कौन सा धातु प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कई सारे एग्जाम में, तो ये लिथियम का प्रयोग किया जाता है उस बैटरी में, लिथियम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क नहीं है। ओके, अयस्क नहीं है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, अयस्क से निष्कर्षित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ओके, निष्कर्षित नहीं है, अयस्क से खुद के अयस्क के उसके अयस्क से निष्कर्षित नहीं है। देखिए, कॉपर हो जाता है, ये आपका सिल्वर भी हो जाता है, AU नहीं होता है, और जंक भी हो जाता है। तो सभी के आपके अयस्क के नाम ही पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, सोने का जो यानी कि गोल्ड का जो अयस्क है उसको क्या कौन कौन से होते हैं, कॉल्वे राइट और एक होता है सिल्वे राइट। ठीक है, कॉल्वे राइट और सिल्वे नाइट होता है। ओके, और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में होता है, जिंक ब्लेड तो एक होता ही है, फिर एक कैले माइन और एक होता है जिंक काइट, ये भी याद रखिएगा। अगर अब सिल्वर की बात करें तो इसमें एक तो रूबी सिल्वर, ओके, एक पायरा, ठीक है, पायरा गायराइट ये भी होता है, और एक होता है हॉर्न सिल्वर। ठीक है, हॉर्न सिल्वर। अगर AU यानी कि कॉपर की बात करें तो क्यूपराइट होता है और कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, ये सारे होते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जल भरे तालाब में शीत ऋतु के दौरान यदि जल का जो है जल जम जाता है या ठोस बन जाता है तब भी किंतु जो मछलियां जिंदा रहती हैं तालाब, किस कारण की तालाब का कितना तापमान होने के कारण ये मछलियां अंदर जिंदा रहती हैं। तो कितना तापमान होता है नीचे का, बर्फ जो ऊपर जम गया उसके नीचे का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए मछलियां जिंदा रहती हैं। डी इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा एक कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि बर्फ जमता स्टार्ट यानी कि हिमांक, ठीक है, नहीं, बर्फ जमने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चूहे मारने के जहर के रूप में प्रयुक्त होता है। चूहे मारने के लिए आप दवा खरीद के लाते होंगे, मार्केट से रखते होंगे, तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है इसमें प्रयुक्त होता है सोडियम फ्लोरोएसीटेट का, ठीक है, सोडियम फ्लोरोएसीटेट का इसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 35 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है, ये आपका इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और ये 35 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाला तत्व है, ठीक है, तथापि पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रचुरता अल्प है, ठीक है, ऐसा क्यों। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है, तो हाइड्रोजन की, और हमारे अर्थ पर किसका है, हमारे पृथ्वी पर नाइट्रोजन 73% है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन 21%, देन आता है आपका हाइड्रोजन ऑर्गन, ये सब, ठीक है, तो हाइड्रोजन ना बहुत ही कम मात्रा में है। ओके, तो किस कारण, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही हल्की मात्रा में है, एक तो हल्की होती है गैस, और यहाँ हमारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी का वो बहुत कम है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, बी नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडम क्या होता है,
क्या ये कुट परिवर्तन प्रणाली है? नहीं। वह कार्यक्रम रूपांतरण प्रणाली है? नहीं। ये है मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा गया था 37 नंबर। तो गाइस 37 का नंबर का मुझे आंसर नहीं पता है, आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके अब आते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर पे देखिए गाइस, यहाँ लिखा एक तुल्यकालिक उपग्रह, यानी कि इसको कहेंगे जियो स्टेशनरी उपग्रह, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं जो कि भेजे जाते हैं, और वो पृथ्वी के लंबवत कक्षीय से चक्कर लगाते हैं, तो उनका जो परिक्रमण काल की बात करें तो परिक्रमण काल जो है 24 घंटे होता है। यहाँ पर कक्षीय चाल की बात की गई है, तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में सर्वाधिक ऊर्जा व्यय होती है? ये चार गतिविधियां दी गई, सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यय किस में होगा, तैरने में, या फिर 4.3 मील प्रति घंटे की चाल से दौड़ने में, या तेज़ी से सीढ़ी चढ़ने में, या बढ़ई गिरी धातु कर्म में? तो इसमें इसका आंसर होगा तेज़ी से सीढ़ी आप चढ़ेंगे, आपने अनुभव भी किया होगा, तो बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा का इसमें व्यय होता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पूछा गया था कि 40 में मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो 5 से 6 लीटर होती है स्वस्थ मानव में, लेकिन यहाँ पर केजी भार के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है, देख रहे हैं? तो इसमें उसका आंसर हो जाएगा 40 का, तो क्या हो जाएगा इसका, 40 का सी हो जाएगा, 80 ml प्रति केजी भार में होता है मानव शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए 41 नंबर, तो ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है गाइस, तो ये 2013 का है, तो इसको ना आपके लिए बेनिफिट नहीं है देखना इसको, ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिट है, जिसको हमें आगे चल के बेनिफिट होगा उसको देखना, क्योंकि करंट अफेयर तो अब इससे नहीं पूछा जाएगा, जो अभी चल रहा है उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको वैसे मैं बता देती हूँ, ये जो बार बार अरब स्प्रिंट है ना, ये कुछ अरब देशवासियों के जन विद्रोह के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 42 नंबर में, रूसी परिसंघ में चिचन्या क्षेत्र प्राय समाचार में क्यों रहा? तो ये भी देखिए, इसमें जो है इसका तो आंसर पहले होगा, तो ये भी आपका है करंट अफेयर से, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हो गया, 43 नंबर पे आते हैं, ये आपके हिंदी में है, इंग्लिश में है, नेक्स्ट है 43 नंबर, ठीक है। एक यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक अनुवांशिकतः रूपांतरित, ठीक है, सस्य पादप को जिसे बिट बिंजल कहते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से सुधार के लिए सुशासित किया गया। तो देखिए गाइस, ये सब मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम ये चर्चा में बहुत रहा, इस वजह से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको रहने देते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम के बड़े भंडार को, ये भी पहले की बात है, ठीक है, ये भी आपका पहले की बात है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे भारत में खोजा गया है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसका नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1N1 जो समाचार में रहा, मतलब उस टाइम तो ये पहला ही था, तो समाचार में था ही, लेकिन इससे रिलेटेड अभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि H1N1 है क्या, ये क्या था, ये एक फ्लू वायरस था, H1N1, ठीक है, तो ये सभी को पता होगा। ओके नेक्स्ट पूछा गया है कि स्वात क्षेत्र, ओके स्वात क्षेत्र यानी कि आपका ये जो है स्वात क्षेत्र जो है किस कहाँ पर अवस्थित है, ये जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो उस टाइम ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी नमक के उत्पादन हेतु इस्तेमाल होता है? तो आपको पता है कि सबसे खारा जो झील है वो कौन सा है इन सभी में से, कोलोरू है, लोकटक है, सांभर है, ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये जो सांभर है क्या खारे पानी का झील है ना, तो यहाँ से आप नमक बनेगा, अगर आपको नहीं भी पता तो भी ये पता है कि खारे पानी का झील है, तो ये हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ है, ये मणिपुर में है, और ये सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। तो सभी झील के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बना चुकी हूँ, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 की तरफ, ठीक है। 48 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक क्षेत्र, किस क्षेत्र से सिंधु नदी का उद्भव होता है? तो नदियों के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी देख लीजिए।
सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नामधापा राष्ट्रीय उद्यान है और इसके साथ क्या दिया, मेघालय। बात करते हैं नामधापा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है, नहीं मेघालय में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, ओके ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मृदुमलाई कहाँ, ये केरल में, तो आंसर तो आपका सेकेंड ही सही होगा क्यों। और ये सीसाचलम रिजर्व जो वायर है ये है आपका, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है, ये 2 सही हैं और 3 सही हैं, और ये ऊपर वाला यानी फर्स्ट वाला सही नहीं है, एपी आंध्र प्रदेश में है ये आपका नामधापा राष्ट्रीय उद्यान, नाम ये आंध्र प्रदेश में है, और मृदुमलाई केरल में है, और सीसाचलम रिजर्व बायोस्फीयर जो है आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा आंसर सही हो गया आपका, ये सेकेंड एंड थर्ड। गाइज एक चीज़ गड़बड़ हुई है, फिर से मैं इसको बता देती हूँ, एक मिनट, ओके। इसमें पहला तो नामधापा जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में, ओके, मृदुमलाई केरल में नहीं तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, और सीसाचलम ये है आपका आंध्र प्रदेश में, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड सही है, ठीक है, ये दोनों ही गलत है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल थर्ड सही है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य जो है राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है, ठीक है, तो मैप में देख लेते हैं एक बार ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए ये है इंडिया हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और कहाँ पूछा जा रहा है, ये है भूटान, तो कौन सा मिल रहा है, सिक्किम मिल रहा है, यहाँ असम मिल रहा है, ये पश्चिम बंगाल भी मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है, और आपके ऑप्शन में मेघालय है, तो ये यहाँ पर टच नहीं करता भूटान की बाउंड्री को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मेघालय, ओके बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। गाइस मैंने ये कई बार बताया है, बेस्ट ये कई बार क्वेश्चन कितनी सारी हर बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, और यहाँ पर ये गंगा नदी के नाम से फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि जब ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, पद्मा नाम से, और जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो किस नाम से, मेघना नाम से, तो सभी नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सभी पूछ लिए जाते हैं आपसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, ओके 52 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दे रहा कि अगर एक चुनाव विघटित होता है, पंचायत विघटित होता है, ओके पंचायत विघटित होता है, तो कितने समय में चुनाव होने आवश्यक है, तो जब विघटन होगा पंचायत का तो कम से कम 6 महीने के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं, या फिर राष्ट्रपति खुद से इस्तीफा दे दे, तो किस आधार पर चलाया जाता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, हाँ सही है, अच्छे स्वास्थ्य का अभाव, नहीं इसके आधार पर तो महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, अक्षमता के आधार पर, ये भी ये ऑप्शन है एक, और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अच्छा अक्षमता के आधार पर नहीं, केवल और केवल किस आधार पर किया जाता है महाभियोग चलाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण, तो आपका आंसर तो इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, 61 में इसका वर्णन किया गया है महाभियोग का, ओके। अगर लगता है कि जो राष्ट्रपति है संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन शुरुआत में 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को भेजना होगा, ठीक है। उसके बाद जिस सदन के जिस सदन में लोग इसको पारित किया गया उसका कम से कम 2/3 लोगों के उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, फिर ये तभी दूसरे सदन में भेजा जाएगा और वहाँ पर इस पर विचार किया जाएगा, ठीक है, और जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा और उसके 6 महीने के भीतर फिर आपको चुनाव करवा मत करके
स्थान की पूर्ति करनी होगी। तो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं, जैसे कि योग्यता की उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी याद रखिएगा, ये तो सभी को याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित कृतियों में से किस एक से लिया गया है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्र गीत की बात की जा रही है, ठीक है, तो राष्ट्र गीत किसके द्वारा लिखा गया, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्र गीत किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्र गीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, और इसकी जो समयावधि है 1 मिनट 5 सेकेंड है इसको गाने की, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रगीत कब गाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये 1896 में, ठीक है, 1896 में गाया गया था और इस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और अगर बात करें राष्ट्र गान की यानी कि नेशनल एंथम की, जनगणमन की, ये कहाँ से लिया गया, ये तत्वबोधनी से, ठीक है, इसे किसके द्वारा लिखित है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, तत्व बोधनी से लिया गया, तो ये भी पुष्टि हो जाता है, ठीक है। और इसको गाए जाने का समय क्या है, 52 सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। और सर्वप्रथम कब गाया गया था, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, जो कि कोलकाता में हुआ था, और इस टाइम उस टाइम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, विशन नारायण दत्त, ये भी पूछ लिया जाता है, विशन नारायण दत्त थे, ओके। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे तत्वबोधनी से ये भी पूछ लिया था, किस टाइटल से ये प्रकाशित हुआ था, भाग्य विधाता, ठीक है, भाग्य विधाता टाइटल से ये प्रकाशित हुआ था, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, ओके, तो याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और देश का राष्ट्रगीत लिखा, वो कौन, बांग्लादेश, अमार सुनार बांग्ला, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत, हमारा जो संसद है, संसद जब स्टार्ट होता है, प्रारंभ किया जाता है, तो प्रारंभ किससे होता है, जनगणमन यानी कि राष्ट्र गीत से, और जब समापन होता है तो वंदे मातरम से यानी कि राष्ट्रगीत से यानी कि जनगणमन, राष्ट्रगान से जनगणमन, और राष्ट्रगीत हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था, ओके, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग निर्मित होता है, किस वर्ग से, देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म, तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक वर्ग जो आते हैं ईसाई धर्म से आते हैं, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा, 55 का बी नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर पे, ओके, 56 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धन विधेयक पर भारत की संसद में केवल किसकी सिफारिश पर पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए, धन विधेयक पर सबसे पहले अधिकार किसका है, कौन अंतिम निर्णय होगा, लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का, राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसको इस पर जवाब देना होगा, तो याद रखिएगा। लेकिन यह पूछा जा रहा है कि पुनः प्रतिस्थापित किया जा सकता है किसके द्वारा, केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है, बी नंबर इसका सही होगा। धन विधेयक किसके अंतर्गत आता है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 110, ये भी पूछ लिया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में होता है, लोकसभा, ठीक है, किसके होता है, लोकसभा अध्यक्ष के होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, सुमित्रा महाजन जी हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। और पहले कौन थे, जीवी मालवंकर जी थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, जीवी मालवंकर जी थे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बना है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, क्या केवल लोकसभा द्वारा, नहीं, केवल संसद के दोनों सदन द्वारा, नहीं, केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, ओके। राज्यसभा सूची में, राज्य सूची में विषय के, किस विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, 59 का 1, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 2/3 सदस्य संकुल पारित करे तभी हो सकता,
तो राज ओके तो इसमें क्या है, ये देखिए इसमें एक तो है राज्य द्वारा आग्रह किए जाने पर बिल्कुल भी नहीं, लोक सभा साधारण बहुमत द्वारा बिल्कुल भी नहीं, ये पहला वाला पढ़िए। राज्यसभा उपस्थिति उपस्थित और मत देने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करने पर ये विधि संसद बना सकती है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते 60 नंबर पर। 60 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 60 नंबर में पूछा जा रहा है कि बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, आपने जो सुना होगा कई बार बैंक रेट की दरें चेंज की जाती हैं, ये होता क्या है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या है, इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटिंग बैंक है इंडिया का। ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, तो इम्पोर्टेंट है ये भी याद रखिएगा। इसमें बहुत सारी जितनी भी रेगुलेशन होती है आरबीआई के थ्रू की जाती है, बैंक रेट, सीआरआर, आरआर, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, ये सभी इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि आरबीआई के हैं, जो कि कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरी बात आरबीआई के बारे में याद रखिए, आरबीआई में किसी का भी खाता नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरबीआई रेगुलेटिंग बैंक है। तो पहला तो देखिए क्या लिखा जा रहा, यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार देता है, यानी कि कमर्शियल बैंक को उधार देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक रेट के आधार पर ही जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को क्या देगा, उधार देता है। नेक्स्ट बात हो रही है, यह वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक जनसाधारण को नहीं, वाणिज्य बैंक ये जनसाधारण वाणिज्य बैंक को ये नहीं है, इस पर बैंक रेट पर नहीं देता है ये। ठीक है, वह दर है जिस पर विश्व बैंक सरकार को उधार देता है, बिल्कुल भी नहीं। यह वह दर है जिस पर बैंक वाणिज्य बैंक कॉरपोरेट नहीं, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर सही हो गया। ठीक है, इस पे जो है बैंक रेट को ज़्यादा कम करके ही कंट्रोल करती है आरबीआई। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में चालू लेखा घाटा का वर्णन करता है, चालू लेखा घाटा का वर्णन कौन सा करता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, चालू घाटा वर्ष, यानी कि वर्तमान में घाटा हो रहा कैसे। पहला देखिए, एक वर्ष में आयात मूल्य जो आयात किया गया है, ठीक है, जो मंगवाया गया है निर्यात मूल से अधिक है, जो मान लीजिए हम लोगों ने 100 रुपये का मंगाया और भेजा कितना है, भेजा बेचा कितना है, भेजा है सिर्फ 50 रुपये का, तो ये क्या हो रहा है, 50 का तो घाटा हो रहा ना, क्योंकि हमने इतना पैसा पेड किया उनको और इतना ही हमको यानी कि निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो 50 मिला, तो ये घाटा ही तो हो रहा है। तो आपका यही सही हो जाएगा 61 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चालू वर्ष लेखा घाटा की बात किया जा रहा है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर पे, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ओके चलिए पढ़ते हैं, यह बैंकर्स के बैंक की तरह कार्य करता है, तो देखिए बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यह 1 रुपये के सिक्के जारी करता है, नहीं, 1 रुपये के सिक्के को छोड़ के बाकी सारे नोट्स करेंसी को है आरबीआई जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नहीं करता है। तो बताइए 1 रुपये का करता कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, यह बीमार औद्योगिक इकाइयों के अंतिम आश्रय को ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा आंसर, कि यह बैंकर्स का बैंक होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। क्या तो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत में क्वार्टरली रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी कौन निकालता है, तो ये क्या क्वेश्चन है। तब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है कौन करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ क्वार्टरली यानी कि 3-3 मंथ पर कौन रिव्यू करता है ये आरबीआई। ठीक है, ये भी आरबीआई करता है, आपने देखा होगा 3-3 महीने के बाद आता है और उसमें क्या होता है, दर को चेंज किया जाता है। ठीक है, अब तो बाई मंथली आता है, ठीक है, 2 महीने पर आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ मंत्रिमंडल से संकल्प से निर्मित हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो क्या बोला जा रहा है कि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग। तो देखिए वित्त आयोग तो संविधान में इसका उल्लेख है, किस अनुच्छेद में, कई बार मैंने बताया 280 में है। ठीक है, अब यहाँ पर है योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास आयोग, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, इसका संघ मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा ये संविधानेतर है। ठीक है, ये योजना आयोग का जो है
डिबॉलिश कर दिया गया, इसकी जगह किसका स्थापना किया गया, नीति आयोग का। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी, तो ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ए नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रायः अखबारों में आने वाले KGD6 ब्लॉक निर्देशित करता है, तो देखिए इसका क्या होता है, ये है आपका ऑप्शंस, तो ये क्या होते हैं, ऑफसोर्स गैस रिजर्व होते हैं, ठीक है, अपतट गैस निश्चय, ऑफसोर्स गैस रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा के डोंगरिया कोंड जनजाति का प्राय समाचार में उल्लेखन किस लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इस टाइम जो आपके करंट अफेयर है आप उसको पढ़िए। वैसे ये जो है इन्होंने विरोध किया था, अपनी पहाड़ी जो पवित्र पहाड़ियां हैं उस पर बॉक्साइट का खनन हो रहा था, उसका विरोध किया था इन्होंने, इसलिए ये समाचार में थे, ठीक है। नेक्स्ट 67 नंबर, भारत किसका अस्थायी सदस्य है, ठीक है, किसका अस्थायी सदस्य इन सभी में से, ठीक है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है, या फिर संघाई राष्ट्र संघ, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है। तो ये केवल और केवल भारत जो है, केवल और केवल किसका संघ का, भारत जो केवल संघाई सहयोग संगठन का ही अस्थायी सदस्य है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 68 नंबर है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ओके। तो इसका क्या उद्देश्य रहा था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, इसका उद्देश्य था तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। तो डी इसका आंसर सही था, और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यानी कि प्रथम कब हुआ था, 1951 से लेके 1956 तक, ओके। तो याद रखिएगा ये सब पूछ लिए जाते हैं, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस पर थी, हेराल्ड डोमर ठीक है। और जो 12वीं थी ये 2012 से स्टार्टिंग थी इसकी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी, ये भी कई बार पूछा गया, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ओके, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसकी अभी जो 12वीं चल रही है, अभी इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रसिद्ध सूरत विभाजन किसे निर्दिष्ट करता है, ओके। तो ये इसमें सूरत विभाजन जो है किससे संबंधित है, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, कांग्रेस के 1907 अधिवेशन जो हुआ था सूरत में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, ये भी पूछ लिया जाता, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, ठीक है, रास बिहारी बोस ने की थी। और इस टाइम जो कांग्रेस था, कांग्रेस का बंटवारा हो गया था गरम दल और नरम दल में, यानी कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, और अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है। और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नरोजी जी ने, और यहाँ इस अधिवेशन में सबसे प्रथम टाइम जो है स्वराज शब्द का इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है, प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द का, तो याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ और पूछ लिया जाएगा, पहले तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है, किसके द्वारा, AO Hume, अभी जो एग्ज़ाम हुआ आपके अलाहाबाद आरओ का उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। और अगर इसकी सबसे पहले अध्यक्षता किसने की थी, ये आपके सबसे पहले WC बनर्जी ने, ठीक है, WC बनर्जी ने की थी, तो इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखें। पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट, अगर पहली महिला से पहली महिला और भारतीय पूछा जाए तो आपकी वो हो जाएंगी, ठीक है, तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 अधिवेशन में बनी थी अध्यक्ष, तो इम्पोर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में सामुदायिक पंचायत किसे निर्दिष्ट करता है, सामुदायिक पंचायत से क्या संबंधित है, ओके।
तो सामुदायिक पंचायत किससे संबंधित है? दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित है। ये 1932 में जो गोल में सम्मेलन हुआ था ना, तो उसमें जो वहाँ के मैकडोनाल्ड थे, कौन थे मैकडोनाल्ड? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ये वहाँ इंग्लैंड के क्या थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उस टाइम। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932, ठीक है, तीनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैकडोनाल्ड के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित था ये सामुदायिक पंचायत, ठीक है, 1931 यानी कि द्वितीय गोल मेल सम्मेलन में ये इससे संबंधित है, ठीक है। तो ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है प्रांतीय स्वायत्ता किसके द्वारा प्रदान की गई थी, प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है, 71 नंबर, ओके, के द्वारा इसमें प्रदान की गई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। जो हमारा संविधान बना है उससे बहुत सारे भाग अधिकांश तो इसी से लिए गए हैं, 1935 एक्ट से, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, इस किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है 1929 का? तो यहाँ क्या हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पहले तो ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है, नेहरू जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। और इसमें पूर्ण स्वराज, ठीक है, किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग बी नंबर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की को कांग्रेस द्वारा लक्ष्य घोषित किया गया था, इसमें किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और अगर एक चीज़ और याद रखिएगा, 1931 को भी याद रखिए, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है, कराची में, और इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बताइए कि जब आज़ादी के समय, यानी कि 1946 की बात हो रही है, 1946 के समय जब आज़ादी का समय चल रहा था उस टाइम, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी और कहां पर हुई थी? ये हुई थी मेरठ में, अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने, ठीक है, जेबी कृपलानी ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे बरदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बरदोली सत्याग्रह के रूप में? तो आप जानते होंगे वल्लभ भाई पटेल, जिनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि बरदोली सत्याग्रह से मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय की खेती होती है, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है, मैकाल पहाड़ी, नलम्मा पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, या फिर ये दोनों, तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ये तो ऑलरेडी कट गया, तो बचा क्या, नीलगिरी पहाड़ियों में चाय की खेती होती है, 74 का डी सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, और इसका जीएस का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक का विस्फोट और उर्वरक दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है विस्फोट और उर्वरक? क्या RDX हम लोग उर्वरक के रूप में करेंगे? नहीं ना करेंगे, ठीक है, नहीं ना करेंगे। और क्या सुपर फास्फेट, तो मान लीजिए उर्वरक करेंगे, तो क्या इसको हम इसके रूप में करेंगे विस्फोटक, यूरिया? नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का जो है उर्वरक के रूप में भी और विस्फोटक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट का, ओके। तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर, ठीक है। तो ये थे जीएस के पार्ट, इसमें मैंने जीएस के सारे जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने डिस्कस किया, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी रीजनिंग और मैथ को भी करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। और मैं देखती हूँ अगर मुझे मिल जाता है, ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल का CISF का हेड कॉन्स्टेबल का पेपर, तो उसको भी मैं आपके लिए अपलोड कर देती हूँ, ओके गाइस। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ओके।